तालियां जोरदार होनी चाहिए हमारे टीमी वालों। हमारी जो चयन समिति है, बोनस बोनस पॉइंट जी, हम बोनस चाहे सैलरी का हो, अंकित भैया है कबड्डी के कोर्ट का, खाते में आता है, अलग एहसास कराता है। सरकारी पदाधिकारी भी मेरे साथ है, वो इस बात को समझते हैं मुआवजे से। फिलहाल एक पॉइंट पे न्यू एस पी एस टी मरनी, और अब इस रेडर को टीम सेट हो गई है। नारायण 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 को बाहर कर दिया इस समय, जोरदार तालियां हो जाते हैं। विकास भाई, बड़नगर की टीम अभी ऑल इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आप तो दुआ में मौजूद थे जी। भैया बहुत अच्छी टीम है, सैनिक क्लब बड़नगर, सही कहा आपने, बहुत अच्छी टीम है ये। लेकिन ये वो 91 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी थोड़ा गलत पोस्ट में, कृष्णा कृष्णा बहुत ही शानदार शुरुआत तीन पे, बड़नगर शून्य पे। खिताबी मुकाबला आज की रात का, किसका ख्वाब होगा साकार वो तय होंगे। सात का डिफेंस भैया, शानदार डिफेंस, लाजवाब डिफेंस, पहले एंकल पे गए फिर। अंकित भैया देखिए, भैया जी ढाबा ने पहले दो दिन का खाना तो दिया ही था, अगर यहाँ जीतेगी तो दो दिन का खाना और, तो मुझे लगता है धीरे धीरे भैया जी ढाबा एक सप्ताह कर देंगे। और निर्णायकों के लिए भी है, क्या कहने, भैया जी ढाबा एक बड़ा नाम बन चुका है। आप पहले मिलते तो एक दिन की भोजन व्यवस्था आपको दे देते। क्या बात है, बहुत शानदार है। सूरज रात में चमकते हैं, सूरज हमारे, सूरज रेडवा जी। वाह सूरज रेडवा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कहते हैं सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, देखना होगा। रेड की कमान इस समय, जर्सी नंबर 02, निगाहें रहेगी सब। बहुत ही जबरदस्त मैच है, रेड पे है राहुल, बहुत अच्छा प्रयास इस समय प्रस्तुत करने की कोशिश। टिमरनी पांच पे, बड़नगर शून्य पे, ये बड़ा ही अद्भुत शुरुआत है, अविश्वसनीय शुरुआत है। रेड की कमान, लंबे के रेड है, जैसे नंबर 9, निगाहें रहेगी यशपाल, उल्टा डिफेंडर है ये, लेकिन बहुत शानदार है, ऑलराउंडर के तौर पे भी पहचान रखते हैं यशपाल। देखिए स्केप करके रीच का खूबसूरत इस्तेमाल, वो हो प्रस्यूट करने की कोशिश। डीएसवीएसटी बनने की तरफ से रेड पे है अश्विन, एक अश्विन अपनी फिरकी से घुमाते हैं और ये अश्विन अपनी टर्न ट्विस्ट, खूबसूरत रनिंग एंड टच, अच्छा फुटवर्क। चलेगा भाई 5-0, ये शुरुआत अकल्पनीय है टीम बनने के लिए। जी हाँ वाकई, बिल्कुल एक सोच कहीं ना कहीं, और एक विचार, और एक अच्छा गाइडेंस उनके लिए, क्योंकि सेमीफाइनल से हमने देखा है जहाँ पर जो मुकाबला एकदम टाइट पर था वहाँ इनकी फाइट चल रही थी, और ये देखिए दावा किया है और रेड एरिया पर आ गए हैं तो निश्चित ही स्वीकार किया जाएगा। खूबसूरत रेड वहां पर डू और डाई पर सामना किया है, और थर्ड रेड अब न्यू एसबीएस टिमरनी की ओर से 91 की जर्सी पर, तो फिलहाल देखना है यहां से करो या मरो की रेड है। तीसरी रेड पर आ चुके हैं, थोड़ी सी मुश्किल जरूर यहां पर चार खिलाड़ियों के बीच, लेकिन देखिए जूझे उलझे सुलझे और अपने आप को क्या बेहतरीन तरीके से निकाला वहां से। बड़ी तेज गति देखी गई इस रेड पर, क्या बेहतरीन ढंग से अपने रंग में आकर इससे थर्ड रेड को पूरा किया और एक मुकम्मल रेड करके एक बेहतरीन पॉइंट और अपनी टीम को और अपने आप को बचा कर लेकर आए। नारायण आ गए, देखिए आज इनका नाम, कहते हैं कि सुबह उठे तो इनका नाम और रात में सोए तो इनका नाम, नारायण। जी हाँ नारायण नारायण, जब हमारे नारद जी आप पुराने धारावाहिकों में देखे होंगे सीरियल्स में, वैसे ये नारायण आए हैं। माननीय जी सी सर मौजूद है, माननीय हमारे अभिभावक तुल्य मोहन चौहान साहब, माननीय जगदीश जी शर्मा, मुकेश जी करोलिया साहब, मंगल दादा का भी सहयोग, आदरणीय हमारे रामजीवन भैया। बोला क्या शानदार मुकाबला, अंकित जी जोशी, आदरणीय हमारे पूरे आयोजन समिति भाई राजकुमार जी, और ओहो हो बहुत खूबसूरत सुपर टैकल की कोशिश, एंकल पे गए, सामने से ब्लॉक किया,